शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशा दीदी, आशा दीदी, क्या हुआ? बताओ ना, बताओ। हाँ बताओ, बताओ, बताओ ना। विक्की भैया आ गए हैं। क्या? विक्की भैया, जयराम जी की। जयराम जी की। बहुत भारी है। अरे संभाल के रखना हो। चल आजा आजा खेलते हैं। चल चल, मेरी बारी ना। हाँ भाई, तेरी बाइक वाली है। एक मिनट एक मिनट, पहले खाना खा लेते हैं यार, बहुत भूख लगी है। हाँ यार, चूहे दौड़ रहा है। वाकई यार बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। हाँ यार विकी, चल खाना खा लेते। हाँ अरे कोई खाना नहीं खाएगा जब तक पाशा नहीं आएगा, कोई खाना नहीं खाएगा। तू कभी आशा का भी ख्याल करता है? ए एंथनी, शर्मा, उधर देख उधर, आशा। ओ, ये कितना इंतजार करेगी बेचारी है। जितनी बार तो ये पाशा पाशा करता है, अगर एक बार भी आशा ऐसा करता तो आज हमारी भाभी होती। तू सही बोलता है, एकदम सही बोलता। आशा सिर्फ मेरी फिक्र ही नहीं, मेरा दोस्त भी है और मेरे जिस्म का टुकड़ा भी। हेलो, हाँ सागर, कैसे है तू? अरे अरे, जिसे प्यार करने वाला तुझ जैसा भाई हो, दोस्ती पे जान देने वाला विशाल जैसा दोस्त हो, फिर भला मुझे क्या हो सकता है? अरे हाँ, विशाल तुझे बहुत याद करता है। अच्छा ये तो बता, तू पढ़ाई तो दिल लगाकर कर रहा है ना? अरे बाप रे, इतने सारे नोट, सब तुझे दे दूंगा, सब तुझे दे दूंगा। तू विशाल कपूर का पता बता दे बस। तू मेरी जान ले सकता है, लेकिन मैं तुझे विशाल कपूर का पता कभी नहीं बताऊंगा। विशाल, काट डाला हरान जाने को। Thank you.
विकी, पाशा, विकी मेरे भाई, मारी नहराम दादू को, और मार! नहीं, नहीं पाशा! पाशा, 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 मेरे दोस्त, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? हराम ज़्यादा है! विकी, मुझे वचन दे, तू मेरे भाई सागर का ख्याल रखेगा। अरे तुझे खुशी होगा पाशा, तुझे खुशी होगा। नहीं विकी, मुझे वचन दे, मुझे वचन दे विकी। मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ विकी, विकी वचन देता हूँ मैं। तूने क्या किया पाशा, ये तूने क्या किया? राम सिंह तुम गाड़ी में बैठो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कमिश्नर, तुम तो जानते हो ना कि विशाल कपूर जुर्म के रास्ते पे कितना आगे निकल चुका है। उसने हमारे शराब खानों और जुए के अड्डों को लूटकर खंडर बना दिया है, खंडर। हराम की कमाई हराम में जाती है, और फिर उसने कौन से तुम्हारे बाप दादा की जायदाद लूटी है? तुम लोग भी तो पप्पू लंगड़े को मार के ऊपर आए हो, विशाल कपूर तुम लोगों को मार के ऊपर आ रहा है। ये तो तुम्हारे धंधे का उसूल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? करना तो तुम्हें यह कमिश्नर, इस वर्दी का सहारा लेकर विशाल कपूर का खात्मा। और ये रही उसकी कीमत। ये क्या है? क्या है हाँ? अड़ा! अरे इतने पैसों में तो मैं वर्दी में किसी भड़वे को भी अरेस्ट नहीं करता। विशाल कपूर बहुत ऊंची चीज है। कमिश्नर, क्या सारे पैसे हमसे वसूल करेगा? क्या? विशाल कपूर की मौत के बाद ऐश भी तो तुम ही दोनों करोगे? साले शबाब और कबाब में डूबे रहोगे, हमें याद भी नहीं करोगे। शरद, जा यार बैग से थोड़े और पैसे ले। विशाल कपूर की लाश कल पोस्टमार्टम के लिए पहुंच जाएगी। माँ, वो क्या है कि विशाल मेरे दिल की धड़कन है, दिल ही दिल में मैंने उसे अपना देवता माना है, मगर वो है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, उसे बुराई के रास्ते से हटाकर मेरे करीब कर दे, इतना करीब के। अपने आप को धोखा मत दो बेटी, विशाल को सपना समझकर भूल जाओ। विशाल मेरा सपना नहीं, हकीकत है। नहीं बेटी नहीं, हकीकत यह है कि तुम्हें डॉक्टर बनकर लोगों को नई जिंदगी देनी है, और विशाल ने जो रास्ता चुना है उसकी मंजिल मौत है, मौत। आज आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं डैडी? ये सच है बेटी, आज ही असलम बिल्ला नाम के गुंडे ने कमिश्नर साहब को मेरे सामने रिश्वत दी। जानती हो किस लिए? विशाल कपूर को खत्म करने के लिए। नहीं, देवी माँ के होते हुए विशाल को कुछ नहीं हो सकता। आशा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे दिल, प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह से कोई दिलचस्पी नहीं। विशाल, तुम खामखां मेरा वक्त और अपनी जिंदगी दोनों बर्बाद कर रही हो। विशाल, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए आई हूँ। किसी असलम बिल्ला नाम के आदमी ने तुम्हें जान से मार डालने के लिए रिश्वत दी है कमिश्नर को। विशाल, तुमने मुझे अपने दिल और अपनी दुनिया से ठुकरा कर खतरों को अपना लिया, आखिर क्यों? क्या तुम इज्जत की और शराफत की जिंदगी नहीं जी सकते? तुम क्या चाहते हो कि मैं ठोकरे खाऊं, बेईमानी के रुपए कमाने वाले को यहां मजदूरी करूं, उनके तलवे चाटू? नहीं आशा, नहीं। मेरा ईमानदार स्कूल मास्टर बाप अपनी जिंदगी को इतने सस्ते दाम में बेच चुका था कि वो मेरी बीमार मां का इलाज तक नहीं करवा सका, और जब वो मरा तो चंदा इकट्ठा करके उसकी चिता की लकड़ियां खरीदी गई। अब मैं दौलत कमाना चाहता हूं, जब दौलत आती है ना तो सुख, चैन, प्यार सब चले आते हैं। और हां, मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारे ख्यालात, हमारे जीने के तरीके अलग अलग हैं। अब तुम जा सकती हो आशा। We'll be right back.
मुझे मारने आया ना, ले मार, ले मार, ये राशि ना मेरा। अरे असलम बिल्ला मेरा नाम है, मौत से डरता नहीं मैं, मौत तो इस धंधे में एक ना एक दिन आनी है। शरद काले नहीं हूं मैं जो साला पीठ दिखाकर भाग गया। अरे वो तेरा नसीब जोरदार है कि आज सामान नहीं है मेरे पास, समझा, सामान। गुड मॉर्निंग वीके। गुड मॉर्निंग विशाल सर। मॉर्निंग विशाल, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वीके साहब। वीके, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां तुमसे मिलने आई, और पहले ये बताओ सागर कहाँ है? दादा ने कहा है, मेरी दादी ने कहा है, नाना ने कहा है, मेरी नानी ने कहा है, अब्बा ने कहा है, मेरी अम्मी ने कहा है, चाचा ने कहा है, मेरी चाची ने कहा है। प्यार करो तो ऐसे कि इधर की उधर खबर ना हो, प्यार करो तो ऐसे कि इधर की उधर खबर ना हो, नजर से ऐसे
न हो, प्यार करो तो ऐसे के इधर की उधर खबर न हो। हंस कर गुजर गए कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। प्यार करो तो ऐसे ये इधर की उधर खबर ना हो, प्यार करो तो ऐसे ये इधर की उधर खबर ना हो। बार भी खाली है, कुर्सी भी खाली, यानी कि टाइगर सो चुका है। प्यार करो तो ऐसे इधर के उधर खबर ना हो, हर घर में घुसो तो ऐसे टाइगर की नजर ना हो। प्यार करो तो ऐसे इधर के उधर खबर ना हो, मगर ये टाइगर सबकी खबर रखता है। अरे क्या हुआ भाई, सोए नहीं अभी तक? ये इतनी रात को जाग रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। देख, जब तक मैं तेरी सूरत नहीं देख लेता ना, मुझको नींद नहीं आती है। बहुत हो गया, चलो ना, बस करो, बस करो। देख, तो घर जल्दी आ जाकर, रात को इतनी देर तक भटका मत कर। क्या भटकता कौन है, मैं तो मंदिर गया था। मंदिर? हाँ मंदिर गया था, वहां पूजा कर रहा था, तो पूजा कर रहा था तो ध्यान में घुस गया, तो घुस गया तो लंबा घुस गया। तो जब सभी लोग चले गए तो पुजारी ने आकर मुझसे कहा कि बालक उठ, 2:15 बज गए। मैं बोला अरे 2:15 बज गए तो मैं उठकर यहाँ आया, मैं चलूं? हाँ जा, सो जा। हाँ शे। अरे हाँ? ये क्या है? क्या है? ये मंदिर का घंटा भी साथ लेके आया क्या? नहीं, क्या है? वो अच्छा अच्छा याद आया। वो क्या हुआ कि मंदिर की लाइन में बहुत लोग लगे हुए थे, तो मैं भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि मैं अगली सीढ़ी पर खड़ा हुआ था, मेरी पिछली सीढ़ी पर एक लड़की खड़ी हुई थी। तो जब मैं अगली सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर गया तो वो लड़की भी पिछली सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर आ गई। तो इतने में वो लड़की मुझसे पूछती कि मेरी बालिका है भाई साहब। तो मैं बोला अरे मुझको क्या पूछ रहे हैं आप,
मैं अगली सीढ़ी पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे अपनी अगली सीढ़ी दिखाई दे रही है। अब पिछली सीढ़ी पर क्या हुआ हूँ मुझको क्या मालूम। अगर आपको पूछना है तो आप अपनी पिछली सीढ़ी वाले से पूछिए कि अगली सीढ़ी पर क्या हुआ, बाली गिरी कि नहीं गिरी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं नहीं समझ रहे तो बोलिए, मैं डिटेल में समझाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। मैं चल जा, तू जाके सो और सुन, ये उसे दे देना। मिलेगी तो दे डालूंगा। ये तुझसे भी दो कदम आगे निकल गया। कहता मैं मंदिर गया था। मैं जानता हूं ये कौन से मंदिर में गया था। अच्छा अच्छा, खेलने कूदने के दिन है सो। अफसोस तो इस बात का है पाशा, शरद काले अभी तक जिंदा है, मगर वो मरेगा, वो मरेगा पाशा, मरेगा। मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा, इन्हीं हाथों से मारूंगा उसे। हरामजादों, यहां बैठे हंस रहे हो, ठाके लगा रहे हो, और विशाल कपूर मौत की तरह मेरा पीछा कर रहा है। सोलो शहर का डॉन बना बैठा है, डॉन। बस एक बार विशाल कपूर को ठिकाने लगा दूं, फिर देखना सारा शहर मेरी उंगलियों पर नाचेगा। बजाओ 1 2 3 4। बीच कहाँ है, लय कहाँ है, क्या नाम है तेरा? बेताल। माँ बाप ने सही नाम रखा है बेताल। डांस मास्टर जब ताल का नाम खराब करेगा, प्रभु क्षमा करना। चल हट, ये देख, तेरे कर दूं तेरा, समझे? गुरुजी बैठ जाओ। धनराज जी आइए, आइए महाराज जी आइए। आपकी नजरें हैं ये स्पॉटलाइट, क्या हीरा ढूंढ के लाया है आपने? अरे थैंक यू झपताल महाराज, लीजिए संभालिए इन्हें। अरे मैं तो इसे तराश के नगीना बनाऊंगा। क्या आंखें हैं, मधुबाला, कमर देखा रेखा, चाल देखी हेमा मालिनी, माधुरी श्रीदेवी पानी भरेंगी, चल मेरे साथ। मतलब सिखाती है तू? मेरी मर्जी है कि मैं किसी को भी चांस दूं। और सुनो, आज तक तुम ग्रुप में थी, अब ग्रुप से भी गई। लेकिन गुरुजी, आप गुरु नहीं।
ढोंगी है, पाखंडी है, बेईमान है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैंने हमेशा अपने आप को बहुत खुशनसीब समझा कि तूने मुझे कलाकार बनाया, पर आज पता चला कि मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ। तूने तूने मुझे कला तो दी, मगर मगर कदरदान नहीं दिया, नहीं दिया। सरकारी वकील की दलीलों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुलजिम नागेश्वर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत लगाया हुआ इल्जाम लगाया गया इल्जाम सरासर गलत और बेबुनियाद है। लिहाजा यह अदालत नागेश्वर प्रसाद को बाइज्जत बरी करती है। और इस टाइम बम के धमाके के साथ ही विशाल कपूर का अंतिम संस्कार। विशाल साहब, now she is all right. Thank you, doctor. It's okay. तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। बरखा, कहाँ जाओगी तुम? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? हम तो ये भी जानते हैं कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो और तुम अपने ग्रुप से निकाल दी गई हो, और इस वक्त तुम्हारे पास ना रहने के लिए कोई छत है और ना ही दुनिया में कोई अपना। मैं अपना कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लूंगी। मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम जल्दी तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देंगे। तब तक तुम इस घर में रहोगी हमारी मेहमान बनकर। मगर
अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। जॉन अंकल। अरे बाबा जॉन अंकल नहीं, जॉन बच्चा बोलो। अब तुमको 20 साल से बोलता है, तुम हमको खाली पीली तंग करता है। अच्छा अच्छा जॉन बच्चा, इनके रहने का बंदोबस्त कर दो। फिकर ना, हम बेबी का ठीक से इंतजाम कर देगा। थैंक यू जॉन अंकल। जॉन बच्चा, जॉन बच्चा, सॉरी। गुड नाइट। क्या तुम्हारी बड़ी। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अरे बोलना तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अरे आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमा तुम, मैंने तो खाई है कसम दम दमा तुम। और दिल में तो आए इतना बड़ा गा। कौन है तू? अबे कौन है तू? अरे कौन है ये? अरे कौन है जो? चाकर बाबा? क्या हुआ? क्या हुआ? ओ तो निकला बाहर, निकला। पहले ये बताओ कि किया कैसे आई? इसका नाम बरखा है, इसे वीके ने यहाँ रखा है। अरे तो वीके साहब को बोलो कि नौकरानियों को सर्वेंट क्वार्टर्स में रखे। गेस्ट रूम में क्या कर रही है ये? ये नौकरानी नहीं है। नहीं नहीं ये मालकिन है। अरे बाबा ये वीके की मेहमान है, इसके पास रहने को जगह नहीं है। पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहा है रात के 12 बजे अंधेरे में? अरे जॉन अंकल। जॉन बच्चा बोलो, नहीं तो हम तुमको म्युनिसिपैलिटी का चपरासी बोलेगा। अरे बहुत बोलता है यार जॉन। हाँ? मेरे बच्चे पुत्र। पुत्र तुम तो जानते हो कि मेरी सुबह रात को होती है। हाँ? मेन गेट से आता हूँ तो वहाँ पर भैया बैठे होते हैं। हाँ? पिंडोक में होते हैं, 50 सवाल पूछते हैं। हाँ? इसलिए मैं छुपते छुपाते यहाँ पर आया। हाँ? अब यहाँ आकर देखता हूँ तो चड्डी पहनी है ना मैंने, चड्डी पहनी है ना मैंने तो। अरे कोई बात नहीं, मॉडर्न बच्चा है। यार सुबह सुबह सितार कौन बजा रहा है? अरे यार क्या यार, ऐसा नहीं चलेगा। यू इडियट, बदतमीज कहके। तुम्हारी जगह अगर ये बात किसी लड़के ने कही होती तो इस कैसेट की तरह उसे भी उठाकर बाहर फेंक देता मैं। एक तो बगैर इजाजत तुम मेरे कमरे में घुसाए, ऊपर से मेरे टेप से मेरा कैसेट निकालकर बाहर फेंक दिया, और अब दादागिरी दिखा रहे हो। बड़े बेशर्म आदमी हो तुम। सॉरी, मैं आपके कमरे में बिना इजाजत के घुसा, मैंने आपके टेप रिकॉर्डर से कैसेट निकाल के बाहर फेंक दिया, मैंने आपके साथ दादागिरी की। वाकई में मैं बड़ा बेशरम आदमी हूँ। एक बात बताइए, अगर कोई सड़ी गली झोपड़पट्टी से निकलकर किसी बगल में मेहमान बनकर आए और दो ही दिन में पराए घर को अपना घर समझ बैठे और हर चीज पर मेरा का स्टैंप लगा दे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? मेरी नजर में ऐसे शख्स को महाबेशरम कहना चाहिए।
मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। भाई भी क्या करता है यार, कहाँ कहाँ से उठाकर लोगों को ले आता है, जीना आराम कर दिया है। अरे शरीफों का घर है यार, कोई कोठा नहीं है यार, समझे? रामेश्वर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए आप मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। देखिए देखिए, आपके एक इशारे पर, आपके एक इशारे पर मैं कितना रुपए लेकर आया हूँ, देखिए। अरे आप तो रुपए देख ही नहीं रहे, देखिए ना। अरे ये मेरा छोटा भाई राजेश्वर, ये साला इतने रुपये देकर भड़क जाएगा, तू नहीं जानता कितना खतरनाक है ये, एक नंबर का जाहिल है साला। ये बचपन में कबूतरों की गर्दन यूं मरोड़ देता था, मुझे ये डर है ये साला कहीं तेरे बच्चे को कबूतर ना समझे। मैं क्या करूं नागेश्वर साहब, मेरे पास और रुपए नहीं है, मैं तो सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ। तो थोड़ा और डूब जाना यार। देख भाई, असली दौलत तो औलाद होती है ना, और तेरी नस्ल ये रुपये नहीं, तेरा बेटा चलाएगा। मेरे ऊपर दया करो नागेश्वर साहब, दया करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दया करो। तू साला गरीबों पे दया करता है, उनके झोंपड़े तोड़ के बिल्डिंग बनवाता है ना, फिर मैं तेरे पे कैसे दया करूं, क्योंकि मेरा पेट मुझ पे दया नहीं कर रहा है, ये तो चक्कर है यार। ले खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे डैडी के पास जाना है। बाद में जाना, पहले खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा। खा। मैं नहीं खाऊंगा। खा। ए चलो उठ, खाना खा ले। ये तो मर गया। तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी शरारत मत किया कर, सुनता ही नहीं है तू। लेकिन हमारे रुपयों का क्या होगा भैया? देख, बच्चा मर गया है वो सिर्फ हम जानते हैं, बच्चे का बाप नहीं जानता। ये नागेश्वर का अपना मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। जाओ उसे पैसा दे दो और अपना बच्चा ले आओ। लेकिन वीके साहब, सुना नहीं मैंने क्या कहा? वीके साहब माफ करना, मेरे बच्चे की तड़प ने आपके रंग में भंग डाल दिया, माफ हूं ना, रहा नहीं क्या, मेरा दर्द एक तमाशा बनकर रह गया, मैं अपना सब कुछ बेचकर भी अपने बच्चों को बचा लूंगा, आखिर मेरा बच्चा है ना। चार आप बहुत बकवास कर चुके हो तुम, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, पैसा दो और अपना बच्चा ले जाओ। Get out! मैं अपना सब कुछ बेचकर अपने बच्चों को बचा लूंगा। पैसा लाया, मैं अपनी जिंदगी कमाई ले आया हूं, ये दौलत ले ले, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। हाँ मेरा बच्चा दे दो मुझे। हाँ, मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है वो मुझे बता दे राजेश्वर, मेरा बच्चा कहाँ है राजेश्वर मुझे बता दे, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ। अरे भगवान से डर राजेश्वर, मेरा बच्चा कहाँ है बता दे, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ राजेश्वर, मेरा बच्चा मुझे दे दे, मेरा बच्चा मुझे दे दे, मेरा बच्चा दे दे मुझे, मैं तुझे मार डालूंगा राजेश्वर, मेरा बच्चा। मुझे मारेगा है? नहीं, नहीं। तो तुझे बच्चा कौन देगा? जा, जा उस गाड़ी में से ले ले। थैंक यू विकी साहब, धन्यवाद। देखिए देखिए, उन्होंने मेरा बच्चा मुझे वापस कर दिया। हाँ देखिए, अरे ये तो मर गया। नहीं नहीं, कैसे मर गया? ये सो रहा है, आपने जैसा कहा था ना मैंने वैसे किया, मैंने घर बेचकर उन्हें सब पैसे दे दिए और उन्होंने मुझे मेरा बच्चा, देखिए मेरा बच्चा मुझे वापस कर दिया। सो रहा है, है? उन्होंने इसे आराम नहीं करने दिया होगा, जरूर आराम नहीं करने दिया होगा। वीके साहब, जब आप उनसे मिले ना तो उनसे कहिएगा
बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। अगर मेरा बच्चा मर जाता तो? होश में आ बेवकूफ, ये बच्चा मर चुका है, मर चुका है, ये मर चुका है। ये मरा नहीं है, सो रहा है। आपका डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं, आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को लेकर चला जाऊंगा। मुन्ना बरखा मैम साहब रुक जाइए, आप ही घर छोड़ के मत जाइए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बाहर कितना खतरा है, अगर तुम बाहर निकली तो। मरी जाऊंगी ना, मगर मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। बरखा बरखा मेरी बात तो सुनो। वीके साहब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, पर सिर्फ ये देखकर दुख हुआ कि आप शराब के नशे में डूबे हुए थे और कोई अपने बच्चे को पाने के लिए तड़प रहा था। मैंने आपके घर में शराब के हाथों इंसानियत का खून होते हुए देखा है, शराब के इशारे पर बेरहमी का नाच देखा है, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि कल भगवान ने जिस इंसान की जिंदगी बचाई, आज उसी ने शराब के नशे में डूबकर एक मासूम की जिंदगी का फैसला कर दिया। अगर आप चाहते तो आप उस बच्चे को बचा सकते थे वीके साहब, मगर आप तो होश में ही नहीं थे। उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार वो हैवान नहीं जिसने उसका कत्ल किया है, बल्कि आप और आपकी शराब है। और भी न जाने कितने बार आपकी शराब की वजह से अपने बच्चों की लाशें उठाए पागलों की तरह चिल्लाते फिरेंगे, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसलिए मैं आपका ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इस घर से तुम नहीं, ये शराब जाएगी बरखा, ये शराब जाएगी, ये शराब जाएगी। डीएसपी गायकवाड, वो हरामजादा राजेश्वर जहां भी हो खत्म कर देना उसे, कुत्ते की मौत मारना उसे, कुत्ते की मौत। चले नहीं मारा, मार दो हरामजादे। मर गया हरामजादा, मासूम बच्चे का कातिल तू। कल सुबह की अखबार में हेडलाइंस होंगी, राजेश्वर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वेरी गुड। जी साहब, सुना है कमिश्नर साहब रिटायर हो रहे हैं। समझ गया गायकवाड, इस बार कमिश्नर तुम ही बनोगे। थैंक यू वीके साहब। कितनी बार कहा था तुझे शरारत मत करना, तेरी ये शरारत मुझे बहुत महंगी पड़ गई। बहुत महंगी पड़ गई। ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। क्या हुआ विके? कुछ नहीं, तुम लोग यहीं रुको।
अरे इस अस्तबल का मालिक कौन है? इस अस्तबल का मालिक मैं हूं, राय। फरमाइए। मिस्टर राय, ये घोड़ा हमें बहुत भाग गया है। शुक्रिया, मैंने खुद इसे डार्वे के लिए तैयार किया है और हम इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम इसे बेचना नहीं चाहते। कीमत मुंह मांगी मिलेगी? मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। देखो मिस्टर, आज हम तुम्हें घोड़े की वो कीमत दे सकते हैं जो तुम चाहोगे, मगर कल तुम्हें हम वो कीमत देंगे जो हम चाहेंगे। यह हमारी राय है मिस्टर राय। सुनिए मिस्टर, जो चीज बिकाऊ नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं होती, दैट्स ऑल। अब आप जा सकते हैं। हमें एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो हम उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेते हैं। आपने हमारी राय ले ही ली मिस्टर राय, गुड। धर्मा। हाँ वीके। सबसे पहले मिस्टर रॉय को इनके नुकसान की रकम अदा करो। ओके। उसके बाद इन्हें घोड़े की वो कीमत दो जो हमने तय कर रखी है। ये घोड़ा नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है विशाल साहब। मुझे अपने राजा की कोई कीमत नहीं चाहिए। हम अपना शौक मुफ्त में पूरा नहीं किया करते। धर्मा जी, इन्हें इनके आंसुओं की कीमत भी चुका दो। ठीक है। ये आंसू नहीं, जुदाई का दर्द है। जुदाई के दर्द का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ समझा जाता है। क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। इतना अच्छा खाना तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलता है। शांता जी, भाई वाह, मजा आ गया। वरना लंदन में तो मेरा खाना खराब हो गया था। अरे तुम क्या खा रही हो, इतना अच्छा खाना बना। और तुम? आज मेरा व्रत है। तुम व्रत रखती हो? जी, मैं हर मंगलवार को व्रत रखती हूँ। अच्छा, तो अगले मंगलवार से हम भी व्रत रखा करेंगे। और शांता जी, मंगलवार के दिन इतना अच्छा खाना मत बनाया करो। सारे खाना मैंने नहीं, बरखा मेरे सामने बनाया है। कितनी मिर्ची है दाल में, और ये भाजी में कितना नमक डाल दिया। फिर शुरू हो गया, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, कितनी मिर्ची है इसमें सचमुच। अभी तो तारीफ कर रहा था। मुझे मालूम नहीं था ना खाना इसने बनाया। इसका नाम आते ही मिर्ची और नमक दोनों बढ़ गया। क्या करे, आना पड़ेगा। आ रहा हूं। बेटे जब तक कुंवारे हो ना, खूब नखरे कर लो। एक बार शादी हो गई ना तो जो बीवी बनाएगी चुपचाप सर झुका के खाना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, मैं किसी खाना पकाने वाली से शादी करने वाला हूँ? अरे लड़की तो होगी डिंग डॉंग टिप टॉप, या मिनीचर हाइल हाय बाय। अरे लोग जल जाएंगे यार, मगर कुछ नहीं हो सकता। आप बड़े, जब तक आपकी शादी नहीं होगी अपनी लाइन क्लियर नहीं होगी। अरे भाई वीके, तुमने शादी ना करके ट्रैफिक जैम कर दिया है। अरे इसकी तो गाड़ी आगे बढ़ने दो। भाई तुम्हारी रेलगाड़ी का फोन आया। रेलगाड़ी इसकी स्वीटी। स्वीटी? अरे सागर, ये स्वीटी कौन है? इसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन कपड़ों की दुश्मन है। तो बाल की लड़की है। सर्कस में काम करती है क्या? सर्कस में? मैं पूछ ही आता हूँ। सर्कस में इसलिए क्योंकि सर्कस में लड़कियां कमाल दिखाती हैं। बरखा, आज महीनों के बाद मैं इतना खुल के हंसा हूँ। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। आप सागर की लाइन क्यों नहीं क्लियर कर देते? लाइन क्लियर? हाँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? और मैं? मुझसे कौन करेगी शादी? क्यों, क्या कमी है आप में?
सब कुछ तो है आपके पास, आप इरादा तो करके देखिए, फिर देखिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी लाइन। आप जैसा इंसान जिसे भी मिलेगा बड़ी किस्मत वाली होगी वो लड़की। न जाने कितनी लड़कियां अपनी आंखों में आपके ख्वाब लेके घूमती होंगी। वीके साहब, जिस दिन आप शादी का इरादा कर लेंगे ना, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। हेलो ऑपरेटर, मेरे बॉम्बे नंबर का क्या हुआ? बात कीजिए सर। हेलो, मैं बरखा बोल रही हूँ। हेलो हेलो बरखा। अरे विक्की साहब, आप कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना? मैं भी अच्छा हूँ, मगर घर से दूर रहकर अजीब सा लग रहा है। अरे सुनिए, मुझे आपको खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कल मेरा पहला शो है और आप शो में जरूर आ रहे हैं। कल शो? मगर मेरा तो यहाँ बहुत जरूरी काम है, मेरा तो आना कल। ठीक है, तो फिर शो कैंसिल। सुन लीजिए, ये शो आपके बगैर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बरखा, ये शो कैंसिल मत करना। शो मस्ट गो ऑन, मैं कल आ जाऊंगा बॉम्बे। मुझे आपका इंतजार रहेगा। और मुझे तुम्हारा। धर्मा। हाँ वीके, आया। कल हम बॉम्बे के लिए रवाना होंगे। क्या? लेकिन कल तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, 25 करोड़ का। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। लेकिन वीके, उन रुपयों का क्या होगा जो हम बिजनेस में लगा चुके हैं? धर्मा, दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, समझे? मगर वीके, ये अचानक क्या हो गया इसको? है क्या दिल की दुआ, ये राज है।
प्यारे दर्शकों, जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं उसके असली हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि वो कदरदान हैं जिन्होंने मुझे गुमनामी के अंधेरे से निकालकर शोहरत की रोशनी दी। इसी स्टेज पर पड़ा हुआ पत्थर थी मैं, जिसे ठोकर मारकर इसी हॉल से निकाल दिया गया था, और उस पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत मूर्त बना देने वाला इंसान आज आप लोगों के बीच है, मेरी आंखों के सामने है, और वो है मिस्टर विशाल कपूर। मैं चाहती हूं कि वो स्टेज पर आए। आइए विशाल साहब। विशाल साहब, आपको सम्मान देकर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे आप जैसा कदरदान दिया। तुमने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया। ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया मिस्टर, शांता ने बनाया है। साहब और कुछ चाहिए? मेरे को तो बस यही चाहिए। शो में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर आज तुम गुस्से में कल से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। बरखा, मैं अपनी पिछली बातों से बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी कसम, झूठ बोलूं अभी मर जाऊं। मेरे किए की इतनी बड़ी सजा मत मुझे, तुम नहीं जानती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। शब्दों के तीर चलाते समय क्या तुमने ये जानने की कोशिश की थी? सागर, दिल तो मेरा है ना, इसलिए दर्द भी मैंने महसूस किया। खून के आंसू रोया है मेरा ये दिल। मुझ गरीब और अनाथ लड़की का कौन है इस दुनिया में जिसके सामने रोकर मैं अपना जी हल्का करती? सॉरी कहकर लोग समझते हैं कि उन्होंने जख्मों पर मरहम रख दिया, मगर दिल पर लगे घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। बरखा, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। प्यार का दूसरा नाम अधिकार होता है, और तुम्हारा यह हाथ मैंने नहीं, मेरे अधिकार ने थामा है। बरखा, आई लव यू बरखा, आई रियली लव यू बरखा। बरखा, बरखा, प्यार का दूसरा नाम अधिकार होता है, और तुम्हारा यह हाथ मैंने नहीं, मेरे अधिकार ने थामा है। बरखा, आई लव यू बरखा, आई रियली लव यू बरखा।
अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? बरखा, देखो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आया हूं। कैसी? जानता हूं, जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई है, मगर तुम अपने आप पर सितम क्यों ढा रही हो? तुम्हारा ये रंग रूप, तुम्हारी कलाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्यों सुनी है? लो, पहन लो इन्हें। माना कि ये चूड़ियां बहुत सस्ती हैं, मगर आज ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा मुकद्दर बन चुकी है। अगर तुमने इन्हें अपनी सुनी कलाइयों पर सजा लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, और अगर नहीं तो मैं तुम्हारी बेरुखी और अपने पछतावे की आग में जिंदगी भर चलता रहूंगा, जिंदगी भर। Yeah.
थी बालकनी, अब नीचे आ जाओ। और ये रहा हॉल डांस प्रैक्टिस के लिए।
अब बरखा को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यह है सामने मंदिर, और यह रहा डाइनिंग टेबल, और ठीक इसके बाजू में किचन, और पीछे एक छोटा सा अच्छा सा ब्यूटीफुल गार्डन भी है। नौकर चाकर जितने चाहोगे आ जाएंगे, और बहुत जल्दी मैं खूबसूरत। क्या सोचने लगे, क्या हुआ? धर्मा, क्या यह बंगला बरखा को पसंद आएगा? मैं तो उससे एक बात पूछना चाहता हूं वीके, सच सच बताना, जिस लड़के के लिए तू ये सब कुछ कर रहा है, क्या वो भी तुझे इतना ही चाहती है, तुझसे प्यार करती है? बोल। ये तो इस बंगले की चाबी है। ये चाबी ही मेरी किस्मत का फैसला करेगी। मैं कुछ समझा नहीं। अगर बरखा के दिल में लालच और ऐशो आराम की चाहत है तो वो ये चाबी खुशी से ले लेगी, और अगर उसके दिल में मेरे लिए प्यार है तो ये चाबी लेने से इनकार कर देगी और तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, राइट? बरखा, तुम्हारी कामयाबी पर आज हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। कैसा तोहफा? हमने तुम्हारे लिए एक शानदार खूबसूरत बंगला खरीदा है, और आज के बाद तुम वहीं रहोगी, और ये रही उस बंगले की चाबी। अरे क्या बात है, तुम उदास क्यों होगी? जो प्यार मुझे आपसे मिला उसमें खोकर तो मैं ही भूल ही गई थी कि मैं इस घर में एक मेहमान हूं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया। नहीं नहीं बरखा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो चाहते हैं कि तुम हमेशा हमेशा इसी घर में रहो। थैंक यू किसा। लगता शर्मा गई। अरे धर्मा, ये बरखा इतनी खुश क्यों है आज? मुबारक हो वीके, मुबारक हो। धर्मा, अब हमसे और इंतजार नहीं किया जाता। तुम एक शानदार पार्टी की तैयारी करो। ओके। हम सबके सामने बरखा को अपना मनाएंगे। Thank you.
जब सावन बरसता है। हमें देख के वापस चला जाएगा बाबा। आई लव यू बरखा, आई लव यू। सच कहता हूँ बरखा, जब तुम मेरी बाहों में आती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मखमली तकिया मैंने अपने बाहों में। अरे बरखा, हाय, अरे अरे अभी तो तुम यहाँ थी, यहाँ कैसे आ गई यार? ओ, मैं नहीं थी, ये तकिया था जनाब। तभी मैं सोचूं आजकल सारे घर के तकिए इतने टेढ़े मेढ़े कैसे हो जाते हैं? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? और नहीं तो क्या, तुम खुद भी मेरे करीब नहीं आती और मुझे भी करीब नहीं आने देती, इसीलिए आजकल मुझे ऐसे ही गुजारा करना पड़ रहा। आजकल ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो आप। अरे छोड़ो यार, हकीकत में तो छूने नहीं देती, कम से कम सपनों का हक तो मत छीनो। न हकीकत में और न सपने में, ये हक तो शादी के बाद ही मिलेगा। शादी? अरे अरे ये पॉइंट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे बरखा, अरे यार मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं आज ही भाई से तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ और भाई को जाकर बोलता हूँ, हे भाई देख अगर अपने घर के तकियों की खैरियत चाहता है ना तो बरखा का हाथ मेरे हाथ में डाल सुमड़ी में। और जानती हूँ बरखा, हमारे झगड़े को मोहब्बत में बदलता देख के भाई कितना खुश होगा। ये ले चाय पियो। हेलो, क्या चाय बनाई है तुमने? बनाई नहीं, नौकर ने। जान से मार डालूंगा साले, इतनी बुरी चाय बनाते, भाई को बोलता हूँ हटा डालूंगा। सुपर्ब, इस हार पर तो मैं अपना दिल हार गया। क्या कीमत होगी इसकी? कीमत पूछकर क्या करेंगे सर, किसी ने ऑर्डर देके बनवाया खास अपनी महबूबा के लिए। बात है, तोहफे की खूबसूरती से चाहत की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस आशिक को मेरा सलाम। अरे वाह भैया, ये नेकलेस तो मैंने पसंद किया था। अच्छा, क्या बात है, तुम्हारी और हमारी पसंद एक ही निकली। इन हीरो की चमक, आपके कपड़ों की महक और आपके चेहरे की चमक ये बता रही है कि आपने मेरा रास्ता क्लियर करने का फैसला कर लिया। अरे, अरे, अरे तो शर्मा रहे यार। हा? 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 हाँ सागर, तुम तो जानते हो हर फैसला करने से पहले हम तुम्हारी राय जरूर लेते हैं। तुम्हारा अंदाजा सही निकला, हमने एक लड़की पसंद कर ली है। अरे मुबारक हो भैया,
अरे जल्दी से मुझे मेरी भाभी का नाम बताओ जिसने मेरी बच्चों की मुश्किल पर मैं आसान कर दी। अरे जल्दी से उसका नाम बताओ कहीं ऐसा ना हो कि खुशी के मारे मेरी जान निकल जाए। तू जाना चाहता है ना? कैसी लगी हमारी पसंद? अरे क्या हुआ तुझे सागर? अरे कैसी लगी हमारी पसंद? आपकी पसंद लाजवाब निकली भैया, इससे बेटर चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकती थी। दांत देता हूं मैं आपकी पसंद की। जरा सोच सागर, बरखा ने सिर्फ हमारे दिल में आकर हमें कितना बदल डाला है। अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारी जिंदगी न जाने क्या हो गया है, हमें कैसे हो गया है। अब हम बरखा के बिना जिंदगी गुजारने की बात सोच भी नहीं सकते। बस इतना जान ले मेरे भाई, अगर बरखा से हमारी शादी नहीं हुई ना तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, सच मर जाएंगे हम। सागर तो हमारे काम करते क्या? आज पार्टी में हम अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। वो क्या है कि खुद अपनी मंगनी के बारे में कहना हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आज पार्टी में तुम हमारी मंगनी का ऐलान करना। मैं? हाँ, तुम हमारी मंगनी का ऐलान करना और हम तुम्हारी मंगनी का ऐलान करेंगे। मेरी? मेरी किसके साथ? हाँ मुझे सब मालूम है, वो स्वीटी जिसके लिए तुमने अंगूठी खरीदी थी। तो आपने मेरी चोरी पकड़ ही लिया है। अरे अब तू क्यों शर्मा रहा है? कमान कमान। टू मिनट्स डैडी, टू मिनट्स डैडी। वैसे भी पार्टीज पर ना देर से जाना चाहिए, देर से आने वाले पर सबकी नजर रहती है डैडी। डैडी मैं देख रही हूँ जब से विशाल कपूर ने मेरी एंगेजमेंट सागर के साथ तय कर दिए आपके तो जैसे पर निकला है। जमीन पता रुकते ही नहीं। डैडी हाउ एम आई लुकिंग? कम ऑन। हेलो हेलो डॉक्टर। हेलो विकी साहब, पार्टी का सारा इंतजाम हो गया है, प्लीज प्रोसीड। वेरी गुड। विक्की साहब मैं आपको ही मिलने ऊपर आ रहा था, बहुत शानदार पार्टी दी आपने, लेकिन वो शादी की पार्टी वो दिन कब आएगा? वो दिन बस समझ लो आ गया। आ गया? विक्की साहब आपने इतनी बड़ी शानदार पार्टी किस लिए दी है ये पता चल जाए तो पीने का मजा कुछ और ही हो जाए। गुड न्यूज सुनने के लिए इंतजार का मजा लेना चाहिए। Wow, you look wonderful. वो सारे मेहमान आ गए? तुम्हारा मतलब है? इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तड़पाएगा, तुम्हें आएगा न चैन कहीं, कोई भी न दिल बहलाएगा, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तड़पाएगा, तुम्हें आएगा न चैन कहीं, कोई भी न दिल
इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। ना किसी से दिल लगाना, नींद अपनी ना गवाना, ना किसी से दिल लगाना, नींद अपनी ना गवाना। नींद तो क्या दे दूँ मैं जान, रोके रोते ना ये तूफान, नींद तो दर्द खुश हो, इतना खुश हो,
क्या आप लोग मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते? यानी कि पहली बार आज मारे खुशी के I'm sorry. तो खुशखबरी है, क्या चांद का टुकड़ा आसमान से उतरकर किसी की जिंदगी को रोशन करने के लिए इस घर में आ रहा है। बड़ी ही खुशनसीब है वो लड़की जो इस घर की दुल्हन बनने वाली है, और बहुत ही खुशनसीब है वो इंसान जिसके किस्मत के सितारे इतने बुलंद निकले। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि वो दो खुशकिस्मत लोग हैं कौन। शर्मो हया की डाली पर खिले हुए इस फूल के लिए विशाल भैया से अच्छा माली और कौन हो सकता है? कमऑन फ्रेंड्स, सागर ये क्या बेहुदा मजाक है? तुमने अपने मुंह से ये बात निकाली कैसे? जरा ना देखो बरखा, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम्हें बीके सबसे ज्यादा अच्छा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम अपने होश में तो हो? मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ। तुम्हें बीके सबसे ज्यादा अच्छा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सागर ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? हाँ क्या हो गया है मुझे? क्या कमी है इस घर में? हर वो चीज जो चाहोगी मांगोगी मिलेगी तुम्हें यहाँ पर। सारी खुशियां तुम्हारे घर में होगी, राज करोगी यहाँ पर। बरखा जरा सोचो, जरा सोचो, बीके साहब वो इंसान है जिसने क्या से क्या बना दिया तुम्हें। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारे तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे अपने बुरे भले से ज्यादा अपने दिल से मतलब है। वीके साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार नहीं करती। मैं आपके एहसानों के बदले अपनी जान दे सकती हूँ पर अपना दिल नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए वीके साहब। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो कमजर्फ जिससे तुम प्यार करती हो? कौन है वो मकार जिसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत की? कौन है वो कमीना जो हमारी खुशियों में आग लगा गया? कौन है वो जिसकी वजह से तुमने भरी महफिल में हमारी मोहब्बत की तोहीन की? बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। भैया गोली उसे मार रहा जो तुम्हारा मुजरिम है। मैं बताता हूं उस कमीने का नाम जिसने भरी महफिल में तुम्हें रुसवा कर दिया। मैं बताता हूं शख्स का नाम जिसने तुम्हारी खुशियों में आग लगा दी। और वादा करता हूं तुमसे भले तुमसे गोली मार दो वो उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि वो शख्स मैं हूं वो शख्स। सागर तू मारो। लहर तूफान का सामना करते हुए किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन सागर हर लहर को किनारा नसीब नहीं होता। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सागर मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने से कभी अलग नहीं करोगे। अरे पगली, बरखा तो सागर से ही निकलती है और फिर बरसकर सागर ही में तो समा जाती है। बरखा और सागर का ये रिश्ता ऊपर वाले का तय किया हुआ है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। विकास साहब मैं समझ सकता हूं कि
सागर और बरखा ने आप ही के घर में रहकर ये जो नीच हरकत की है उसका आपको बहुत दुख हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी अपने आप को शराब के नशे में डुबो दे। वैसे देखा जाए तो हमारे धंधे में जज्बात की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और फिर आप जैसा आदमी जो दुनिया को खरीद कर अपनी जेब में रखने की ताकत रखता हो, वो एक मामूली लड़की के लिए इतना अफसोस करे, बड़ी हल्की बात लगती है। आप सिर्फ मुझसे हाँ कीजिए, मैं बरखा जैसी हजारों छिनालों को आपके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की कैसे हुई? तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं सॉरी विकास साहब, अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि आपने मुझे चाटा मारा, दुख है इस बात का कि आपने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। देखो देखो तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा। चले जाओ, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। सुंदर मकान था। हाँ, ख्वाबों में, ख्वाबों से निकलकर हकीकत में आ जाइए मैडम, हकीकत में तो हमारे सर पर छत भी नहीं है। सागर, अब क्या होगा? अरे पगली, अभी तो खेल शुरू हुआ। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं अपना आशिया बनाने की। इस बंदर को पूछ नहीं है, इस बंदर में क्या कहनी है वो आप देखिए। तो ये है हमारे बंदर बारा। आयो, ये बंदर नहीं इंसान है, ये हमको बेवकूफ बना रहा है। मर गया। सच कहा आपने, सच कहा। आप कह रहे हैं ये बंदर नहीं है, आप कह रहे हैं इंसान है, और मैं कह रहा हूँ ये बंदर है। आप भी सही है, आप भी सही है, और मैं भी सही हूँ। तो कर दारो, आज से हजारों साल पहले हम लोग बंदर थे कि नहीं? हाँ, है ना। हाँ, हाँ, ये दुनिया बंदर से शुरू हुई थी, बंदर पे ही खत्म होगी, उसी का ये नमूना है। कदरदानों मेहरबानों, ये बात और है कि एक बंदरिया के रेप केस में ये 17 साल जेल काटा। इंसानी खाना खाकर ये ऐसा हो गया, मगर ये बिल्कुल बंदर है। देखो इसका एक नमूना देखो, आज के युग का इंसान कैसा है बंदर? सुस्त है। और बंदर तो ये बंदर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, हुआ। तो इस बात को बजाओ बच्चों, तालियां। मेहरबानों, कदरदानों, अब देखो बंदर का कमाल, असली कमाल। अरे नाच मेरे बंदर के पैसा मिलेगा, ऐसा कदरदान हमें कैसा मिलेगा? अरे नाच मेरे बंदर के पैसा मिलेगा, ऐसा कदरदान हमें कैसा मिलेगा? अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं। ये तुम्हारे गुरुजी हैं? ये मेरे गुरुजी थे। ओह, मैं तो डर गया था। चुप करो ना। तो मेहरबान, पैसे निकालिए, रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। ये बंदर मांसाहारी है, ये सुबह नाश्ते में ऑमलेट खाता है, और दोपहर में मटन बिरयानी खाता है, और शाम में पाया खाता है। तो मेहरबान निकालिए। सुनिए भाई। बरखा, मैंने तुझ जैसी महान कलाकार को ठुकराया था, भगवान ने मुझे ठोकर मार दी। लेकिन गुरुजी, ये सब कैसे हुआ? पैसों के लालच में मैंने अनाड़ी लड़कियों को नचाया था, और बदले में पब्लिक से जूते खाए और थिएटर से फुटपाथ पे आ गए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी बरखा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। एक मौका और दे देना, फिर देखना।
स्टेज की दुनिया में हंगामा हो जाएगा। हाँ बरखा, इनका प्रायश्चित भी हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल भी मिल जाएगी। आपकी तारीफ गुरुजी, ये इस बरखा की मंजिल है सागर। गुरुजी जी, आप बेफिक्र होकर शो की तैयारी कीजिए, बरखा उसमें जरूर नाचेगी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप एक बार थैंक यू बोल दीजिए। चलें चलें। विशाल साहब, अगर ज्यादा शराब पिएंगे तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। आप लीवर डैमेज होने की बात कर रहे हैं डॉक्टर? हमारी तो जिंदगी डैमेज हो चुकी है। आपके पास तो हर मर्ज की दवा है ना डॉक्टर? हाँ हाँ है ना। क्या आप हमारा टूटा हुआ दिल जोड़ सकते हैं? नहीं नहीं ना। क्या आप हमारा दर्द मिटा सकते हैं? नहीं नहीं ना। क्या आप हमारी उजड़ी हुई दुनिया बसा सकते हैं? नहीं नहीं ना। तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? Get out! Get out! दुनिया की कोई भी दवा हम पर असर नहीं कर सकती। पीके, संभालो अपने। हम पीते इसलिए कि हम अपना लिवर शराब में डुबो दें ताकि हमारा दिमाग सोचना बंद कर दे और हमारे जख्मी दिल को आराम मिल जाए। पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? देख देख आ रही है, आज पूछ ही ले। ना बाबा, मैं ना पूछूं, तू ही पूछ ले। अच्छा ठीक है। अरे सुन, जिसके साथ तू रहती है कौन है वो? ये उसका नाम सागर है। नाम नहीं, रिश्ता पूछना है। रिश्ता? क्या लगता है तेरा, चाचा, मामा या भाई? क्या तेरा मर्द लगता है? अरे अगर मर्द होता तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना होता। अरे मुझे तो लगता है किसी अपने यार के साथ रह रही। हाँ, बड़ी देर कर दी बरखा, पानी लाई। अरे अरे अरे, अरे ये क्या, पानी तो बाल्टी में होना चाहिए था, तुम्हारी आंखों में कैसे? सागर, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? कौन लगते हो तुम मेरे? ये तुम पूछ रही हो बरखा? ये मैं नहीं, मोहल्ले वाले पूछते हैं मुझसे। मैं क्या जवाब दूं? बोलो मैं क्या जवाब दूं सागर, मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं समझ गया। दुनिया वालों की बातें कड़वी जरूर हैं, मगर उनमें सच्चाई है। हम अभी और इसी वक्त अपने इस बेनाम रिश्ते को एक नाम देंगे, शादी करेंगे। पहले शादी फिर शो? नहीं सागर, पहले शो फिर शादी। फिर अभी की तरह अलग तो नहीं सुना पड़ेगा ना? वीके, सागर और बरखा का पता चल गया है, वो लोग रुईया पाक की बस्ती में रहते हैं। ये देखो, टाटा थिएटर में उनका शो होने वाला है। और देखिए जरा लाइन में रहिए आप। हाँ यहाँ पर, और उस तरफ सीधा रखिए भाई। बस बस, गार्ड गार्ड सबको रोक दीजिए, टिकट खत्म हो गया, हाउसफुल हो गया है, आप लोग जाइए प्लीज। आई एम सॉरी, देखिए टिकट खत्म हो गया, आई एम सॉरी प्लीज। क्या बात है, आप लोग क्यों मार रहे हैं मुझे? अगर आज के बाद बरखा और सागर थिएटर में नजर आए ना, तो तुम इस दुनिया में नजर नहीं आओगे। वीके साहब का हुक्म है। सागर साहब, सागर साहब, मुझे माफ कर दीजिए,
विके साहब के आदमी यहाँ पे धमकी दे कर गए कि अगर आपने यहाँ पे शो किया तो मुझे और इस थिएटर को जला कर रख दे। अरे कोई कुछ नहीं जलाएगा, तू उठ यार, काहे को माफी मांग रहा है। अब क्या होगा सागर? बरखा, सच्चे कलाकार कभी थिएटर वेटर के मोहताज नहीं होते। आपने बिल्कुल सही कहा। सही कहा ना? हाँ जी। आओ ठहरिए, रुक जाइए भाई और बहनों, शो होगा और जरूर होगा। आपने टिकट लिए इसीलिए शो देख के जाइए। चलिए आइए, बैठिए बैठिए, चलिए।
कोई और नमन को भाए गोरी एक सिवा बस तेरे कोई और नमन को भाए मेरे सांवरे सांवरिया हो मेरे सांवरे सांवरिया तेरी सौतन मैं ना लाऊं मेरी बेखबर घरवाली हो मेरी बेखबर घरवाली हर दिन मैं ना जाऊं तेरी सौतन मैं ना लाऊं मैं बरखा तुम्हें इस दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही हैं। क्या हुआ तुम खुश नहीं हो सागर ये सुहाग का जोड़ा कहीं हमारे प्यार का कफन न बन जाए क्या आज जो कुछ भी शो में हुआ कल वो हमारी शादी में भी हो सकता है सागर सागर क्यों ना हम ये शहर छोड़ के कहीं और चले जाए बरखा तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरा प्यार होना चाहिए वीके का डर नहीं अगर हम इस शहर को छोड़कर चले गए तो ये हमारे प्यार की तौहीन होगी राज एक तरफ वीके की झूठी ताकत और उसका घमंड है और दूसरी तरफ हमारा सच्चा प्यार और अब देखना तो ये है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार आधा किलो टमाटर देना वीके के घर से निकल गया उसे इस शहर में रहने का हक नहीं कहां है तू कौन कहां है वो मखरूर जिसकी झूठी शान शौकत पर दुनिया सर झुकाती है कहां है वो जालिम जो खौफ बनकर दुनिया के दिलों में समाया हुआ है सुरमा जो शहर का डॉन बनकर बैठा हुआ है अरे सागर तू हाँ मैं क्यों तुम क्या समझते थे कि तुम डरा धमका कर मुझे शहर से भगा दोगे और मैं भाग जाऊंगा मैं एक मेरा भाई था जो अपने दोस्त की दोस्ती पर कुर्बान हो गया और एक मेरे भाई का दोस्त है जो पाप की ऊंचाई पर खड़ा अपने दोस्त के भाई की बर्बादी का जश्न मना रहा है मैं तुम्हें बड़ा आदमी समझता था मगर तुम सिर्फ अमीर निकले अरे मैंने तुम्हें अपना भाई समझा मगर तुम सिर्फ इस शहर के भाई निकले क्या कसूर है मेरा यही कि मैं बरखा से मोहब्बत करता हूं और क्या कसूर है बरखा का यही कि वो मुझसे मोहब्बत करती है मगर तू इतना जलील कमीना और मक्कार निकला कि तूने बरखा को किडनैप करवा लिया नहीं सागर नहीं ऐसी घटिया हरकत हम कभी नहीं कर सकते सागर सागर तुझे गलतफहमी हुई है वीके कभी ऐसा नहीं कर सकता मुझे नाटक नहीं चाहिए मुझे बरखा चाहिए समझा और तू भी सुन ले विशाल कपूर सागर की लहरों पर सरहद बांधने की कोशिश मत करना नाकाम हो जाएगा मुझे कल तक बरखा चाहिए वरना कसम है मेरे भाई की तेरी इस पाप की नगरी को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा
क्या सागर? वीके, ये सब झूठ है। हमने नहीं किया बरखा को किडनैप। वीके, जाने दो। सुना तूने? सुना तूने? तेरा भाई हमें मक्कार, कबीना और जलील कह के गया है। हाँ मक्कार है, क्योंकि हमने तेरे एहसान को अपना फर्ज समझकर तेरे भाई के सर पर हाथ रखा। हाँ हम कमीने हैं, क्योंकि हमने तेरे भाई को इज्जत भरी जिंदगी दी, नाम दिया, ऐशो आराम दिया। हाँ हम जलील हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत का जनाजा देखा और खून के घूंट पीकर रह गए। जिस सागर के हमने आंसू पहुंचे थे, वही सागर हमें आंसुओं के सागर में डुबो गया। मेरे दोस्त, ये तूने कैसा वादा लिया, ये कैसा वादा लिया विके, ये कैसा वादा लिया। बस कर विके, बस कर, बस कर, प्लीज बस कर। धर्मा, हाँ पता करो बरखा किसने किडनैप किया है, सागर के दिल में हमारे खिलाफ गलत फहमी की बुनियाद किसने डाली है, इस शहर में ऐसा कौन सा शख्स पैदा हो गया है जिसे वीके की परछाई से भी खौफ नहीं रहा। चेयर, ये जाम वीके की बर्बादी के नाम। हाँ तू यही कहना चाहता है ना कि क्या दिमाग पाया है मैंने। हाँ सागर और बरखा का शो भी फ्लॉप करवाया मैंने, बरखा को किडनैप भी करवाया मैंने, और इल्जाम जाएगा वीके के सर पर, और सागर वीके का दुश्मन बन जाए, लेकिन उसको तो मैं जानी दुश्मन बनाना चाहता। पहले मेरी कुर्सी छीनी वीके ने, फिर मेरे मुंह पे चाटा मारा वीके, सोते हुए नाक को जगाया है वीके, और नाक तो डसेगा ही भैया। पहले मैं बरखा को खत्म करूंगा, फिर सागर वीके को खत्म करेगा, कानून सागर को खत्म करेगा, ये कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। मारूंगा। मैं किसका आदमी नहीं हूं, नहीं हूं। मैं किसका आदमी तू?
और किसका आदमी है तू? बताता हूँ किसका आदमी, बताता हूँ, बताता हूँ, बता। डॉक्टर इन्हें तुरंत एडमिट कर लीजिए, शी इज वेरी सीरियस। कैश काउंटर पे एडवांस जमा कर दीजिए, हम आपके पेशेंट को एडमिट कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, देखिए इस वक्त तो मेरे पास पैसा नहीं, मगर रुपए से ज्यादा मरीज की जिंदगी कीमती है और मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना। आप इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए डॉक्टर। सॉरी, जब तक एडवांस की रकम जमा नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कर सकते, आप पेशेंट ले जा सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए मिस्टर। अरे भाग में क्या मिस्टर, ये मिस्टर मिस्टर क्या कर रहे हैं आप? आप लोगों की जान बचाने के लिए बैठे हैं कि धंधा खोलकर बैठे हैं? देखिए आप बिना वजह चिल्ला रहे हैं। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, तकलीफ मुझे हो रही है आपको नहीं। जिंदगी और मौत के बीच मेरा अपना है आपका नहीं। ये जिसे लोगों के दिलों की धड़कने देखते हो ना, इसे कभी अपने दिल पर भी रखकर देखो, देखो ये धड़कता है कि नहीं। विशाल साहब आप और यहां, अभी तक इसे एडमिट क्यों नहीं किया गया? सर वो क्या हुआ, अभी तक एडवांस की हमारी मौजूदगी से बाहर कोई एडवांस नहीं है यहाँ। ये जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रही है और तुम लोगों को अपने एडवांस की पड़ी है? अगर इसे कुछ हो गया ना तो हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, आग लगा देंगे इस हॉस्पिटल को। इसे बचाने की खातिर रुपया पानी की तरह बहा देंगे हम। मिस्टर विशाल कपूर, दौलत से ही अगर जिंदगी बचाई जाती तो अमीरों के घरों में कभी मौत नहीं होती। नर्स पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर आओ। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर आशा, खून काफी बह चुका है, इनका बचना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर, ये किसी की जिंदगी की आशा है और आशा उसकी आशा को निराशा में नहीं बदलने देगी। विशाल साहब, बरखा आप खतरे से बाहर है। सागर, सागर, कौन सागर? यहाँ तो तुम्हें विशाल कपूर ने एडमिट करवाया है। क्या? हाँ, उन्हीं के खर्च पर तुम्हारा इलाज हो रहा है। विशाल कपूर, उसकी दी हुई जिंदगी से तो अच्छा होता कि मैं सागर की बाहों में दम तोड़ देती। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विशाल कपूर के एहसानों की भीख नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें उसकी मेहरबानियां हो। डॉक्टर निकाल लीजिए मेरे जिस्म से वो खून का एक-एक कतरा जिसमें विशाल कपूर के पैसों से खरीदी हुई दवाई। नहीं बरखा, क्या कर रही हो तुम? ये क्या पागलपन है? होश में आओ बरखा। मेरा इलाज करवा के वो क्या साबित करना चाहता है? यही कि वो मुझसे प्यार करता है? वो क्या समझता है दौलत के बल पे वो सब कुछ खरीद सकता है? वो मेरा दिल नहीं खरीद सकता, मेरा प्यार नहीं खरीद सकता। वो विशाल कपूर कितना भी बड़ा जुआरी क्यों ना हो, वो मेरे दिल की बाजी नहीं जीत सकता। तुमने ठीक कहा बरखा, एक कप भले ही सबसे बड़ा हो मगर रानी हमेशा राजा की होती है।
अंदर विशाल कपूर। कौन? अंधेरे में बैठा हुआ आदमी जब अपने आप को नहीं देख सकता तो औरों को क्या पहचानेगा? अपने गुरूर और नाजायज ताकत के अंधेरों से निकलकर उजाले में आओ मिस्टर विशाल। आशा, तुम? हाँ आशा, वही आशा जिसने तुमसे एक दिन कहा था कि भगवान तुम्हें इतनी दौलत दे कि तुम दुनिया की हर चीज को खरीद सको, प्यार भी। प्यार तो तुम खरीद नहीं सके तो उसे छीनने पर तुल गए। छीनना हमारी आदत जरूर रही है आशा, लेकिन हमने किसी का प्यार छीनने की कोशिश कभी नहीं की। ये हम पर इल्जाम है आशा, हम पर इल्जाम है। अपने किन किन गुनाहों को इल्जाम का नाम दोगे विशाल? तुमने बरखा और सागर को अलग करने की कोशिश की, क्या ये इल्जाम है? तुमने बरखा को किडनैप करके सागर को मार डालने की कोशिश की, क्या ये भी इल्जाम है? दौलत की तराजू में हर चीज को तोलने वाले विशाल कपूर, प्यार बाजार में बिकने वाली कोई चीज नहीं जिसे तुम जब चाहे खरीद सको। सुन लो विशाल, तुम्हारी ये शान शौकत, तुम्हारा घमंड, तुम्हारे जुल्म को एक दिन सागर और बरखा के प्यार के सामने झुकना ही पड़ेगा। बस करो आशा, बस करो। ये इल्जाम जो तुम हम पर लगा रही हो सरासर झूठ है, हमें बदनाम करने की एक साजिश है। हम मानते हैं कि हमने घमंड के नशे में चूर होकर बहुत खुदगर्जी और नासमझी से काम लिए। यकीनन हमने बहुत सी नाइंसाफियां की हैं जिसका आज हमें दुख है। अगर आज हमारी आंखों में आंसू हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमें एहसास हो चुका है कि दिल टूटने का दर्द कितना बेदर्द होता है। अगर आज हम तुम्हारी बातों में शर्मिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम समझ गए हैं कि दौलत इतनी दौलतमंद नहीं जो सच्चा प्यार खरीद सके। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं आशा, लेकिन यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि यह इल्जाम सिर्फ हम पर नहीं, पाशा और हमारी पवित्र दोस्ती पर है। और जिस हरामजादे ने हमारे और सागर के बीच दुश्मनी के बीज बोए हैं हम उसे मिटा देंगे, तहस नहस कर देंगे उसे। हर उस खोए हुए पल का हिसाब लेंगे जिसे हम गवा चुके हैं। क्या इसका मतलब दुश्मन चाहते थे कि मेरे और वीके के बीच दुश्मनी और गलतफहमी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाए कि हम दोनों न एक दूसरे को देख सके, न जान सके, न समझ सके? बिल्कुल ठीक सागर, विशाल कपूर आज भी तुम्हारे भाई कहलाने के हकदार हैं। गलत कह रही हैं आप डॉक्टर, विशाल कपूर सिर्फ मेरा भाई कहलाने का हकदार नहीं बल्कि दुनिया में अगर कोई भाई हो तो विशाल कपूर जैसा हो। वीके साहब, मुझे कमिश्नर की पोस्ट दिलवाकर आप नहीं जानते आपने इस बंदे पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपके लिए कुछ करूं। और तुम अभी तक हमारा एक मामूली सा काम नहीं कर सके, ये नहीं पता लगा सके कि शहर में हमारा दुश्मन कौन है। वीके साहब रिलैक्स रिलैक्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेलीफोन पे नहीं बताई जाती। अगर कल सुबह तक तुमने ये पता नहीं लगाया तो याद रखना हम सिर्फ बनाना ही नहीं मिटाना भी चाहते हैं। मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा और अपना काम भी बताऊंगा। वर्दी और पुलिस इनकाउंटर का सहारा लेकर मैं साले उस राजेश्वर की तरह आपके तमाम दुश्मनों का सफाया कर दूंगा, सफाया। कल सुबह तक, सिर्फ कल सुबह तक। कल सुबह मैं अशोका बेसमेंट में आपका इंतजार करूंगा। तभी मैं सोच रहा था कि एक निकम्मा ऑफिसर कमिश्नर कैसे बन गया, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि कुर्सी को इतनी ऊंचाई देने के लिए मेरे भाई की लाश का इस्तेमाल किया गया था। हाँ मैं समझ गया, तू यही कह रहा है ना कि इसके कमिश्नर बनने की खुशी में कोई धमाका होना चाहिए। ठीक है, आ, 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 आ,
यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। गायकवाड, 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 कौन है वो जो हमारा दुश्मन बनकर खुद अपनी जान का दुश्मन बन गया है? बताओ उस कमीने का नाम। नागेश्वर, तू? वही नागेश्वर जिसके मुंह पे तूने तमाचा मारा था, मेरे भाई को कुत्ते की मौत मारा। अपने भाई की मौत पर अफसोस मत करो नागेश्वर, क्योंकि सुअर की मौत पर आंसू नहीं बहाया करते। मेरी आंखों में आंसू नहीं विके, सुअर का बाल आ गया है। तेरा काम तो मैं पहले ही कर चुका होता जब बरखा को किडनैप करके सागर को मैंने तेरा दुश्मन बना दिया था। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। धर्मा, धर्मा, ये एक तरह क्या किया, क्या किया तुमने? तेरी चिंता मत कर विके, अपना ख्याल रखना और उस कमीने को जिंदा रखना। धर्मा, रामजादे, नागेश्वर, इमरजेंसी केस आ गया है, विशाल कपूर को गोलियां लग गई हैं। सब ठीक है। गोली निकालने से पहले आपको बेहोश करना पड़ेगा। नहीं आशा, नहीं, होश तो अब आया मुझे, अब मुझे बेहोश नहीं होना है। तुम गोली निकालो, गोली निकालो। रोको, गाड़ी रोको, परमिट दिखाओ। लीजिए साहब। ठीक है, जाओ। किसने किया साहब? वही लोग जिन्होंने हमारे बीच दुश्मनी की आग भड़काई। मैं उस आग में, मैं उस आग में अपने रिश्ते को झोंकने चला था,
माफ कर देना मुझे भाई। नहीं नहीं, माफ कर देना मुझे भाई। माफ करना, तेरी कोई गलती नहीं है। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं, मैं नाम, मैं नाम बता मुझे भाई, सिर्फ नाम बता मुझे उसका, नाम नागेश्वर और दलाल। हेलो वीके साहब, थर्ड फ्लोर ऑपरेशन थिएटर में। गुड न्यूज, नागेश्वर साहब आ रहे हैं। नागेश्वर साहब उस कंटेनर में हमारे आदमी हैं। नहीं हो रहा ना आशा? आशा
एक मरीज और एक डॉक्टर का साथ कब तक रहता है? जब तक मरीज अच्छा ना हो जाए तब तक। और अगर मरीज कभी अच्छा ना होना चाहे तो उम्र भर का साथ रहेगा ना? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया आप जल्दी से शादी कर लीजिए ताकि मेरी लाइन क्लियर हो जाए। हाँ पंडित जी मेरी गाड़ी में रेडी बैठे हैं। बरखा शादी का जोड़ा पहनकर हॉस्पिटल में रेडी है। आप लोग रास्ते में शादी कर लीजिए, घर पहुंचते ही मैं कर लूंगा। ये हंसने की बात नहीं है, मैं सीरियस हूँ। हम भी सीरियस हैं। अच्छा चूड़िया, ये नीली पीली चूड़िया।